संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता, और गौ माता को देने से कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटेगा। आपका दिया हुआ आपको बढ़ाए, खूब बढ़ाए, देने में मत रखो। देखो बहन बेटियां, कई माताएं कहती हैं, देखो संकट सोमवार की कथा में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, 16 सोमवार कोई करता है इधर? संकट सोमवार करते हैं लोग? संकट सोमवार 16 सोमवार अगर करते हो, या कोई भी उद्यापन आप करते हो, चाहे चतुर्थी का उद्यापन करो, चाहे चौथ का उद्यापन करो, चाहे तीज का उद्यापन करो, चाहे गणगौर का उद्यापन करो, जिस उद्यापन को माताएं करती हैं, उस उद्यापन का एक नियम शिव महापुराण कहती है कि उस उद्यापन में कभी भी अपनी बहन बेटी को गिनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहन बेटियां तो उस उद्यापन में आएंगी, पर वो दान लेने की हकदार नहीं होती, क्योंकि हमने बहन बेटी का खुद दान किया है। किया कि नहीं किया? कन्या दान, जब हमने दान किया, कई माताएं कहती हम तो हमारी बहन बेटी को दान दे देंगे, हमारी बहन बेटी को, वो तेरुंडा होता ना, तेरा सामान बांटते थे संक्रांति पे, तेरुंडा तक बहन बेटी को दे दी, हम तो तेरुंडा हमारी बहन बेटी को दे देंगे, वो दान ले लेगी। तो बहन बेटिया का दान लेने की हकदार है? आप बहन बेटियां बैठी, ईमानदारी से बोला, आप मायके से दान देती हो क्या? दान लेने का हक आपका नहीं है, आप मायके से दान नहीं, आप आपका हक लेती हो, दान नहीं हक ले रहे। दान की विशेषता किसको कही? संकट सोमवार का उद्यापन करो, वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, तो अपने घर की नारियों को छोड़कर दूसरों को गिनो। क्यों? जब हम दूसरे को एक लोटा देंगे, नरियल देंगे, कुछ देंगे, तो वो दान कहलाएगा। हम अपने वालों को देंगे तो वो तो घर की घर में चले गया, और वो भोग अगर हमारे करने में आ गया। राजा अम्बरीश की कथा, राजा अम्बरीश की कथा सुनी भागवत में? एक गाय का दान राजा अम्बरीश ने दे दिया, वो गौ माता चली गई ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण ने उसको बांधा, वो गाय खूंटा तोड़ के राजा अम्बरीश के यहाँ चली गई गौशाला में। जब गौशाला में गई, राजा अम्बरीश ने दूध निकलवाया गायों का, वो दूध, उस गाय का दूध भी उसमें मिल गया, और राजा अम्बरीश ने पी लिया, तो उसको कबूतर की योनि में जाना पड़ा। मात्र दान करी हुई गाय का दूध पिया तो कबूतर की योनि में चले गया। शास्त्र कहता है हम जो दान कर रहे हैं उस दान को ग्रहण करें, वो श्रेष्ठता नहीं। क्यों नहीं खाते बेटी के घर का? बेटी के घर का क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमने क्या करा, क्या दान करा? जम के बोलो, कन्या दान करा, इसलिए बेटी के घर का नहीं खाते। भैया नीरज भैया, कई जगह हम भंडारों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं हमारी तरफ से भंडारे में एक पीपा घी का दान। क्या बोलते हैं? एक पीपा घी का दान। अब जिस सेठ जी ने एक पीपा घी का दान करा है, विष्णु पुराण शिव पुराण कहती है उस घी की नुक्ती बूंदी हलवा पूड़ी कुछ मत खा लेना, क्योंकि तूने बोला है दान, और दान कर दिया और उसी का बनाया हुआ खा लिया, तो नरक भोग, नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां क्या कहते हैं, एक पीपा घी भगवान के प्रसाद के लिए दिया। प्रसाद के लिए दिया तो तू भले अब नुक्ती घर में भर के ले, अब तू भले हलवा पूरी घर में भर के ले जा, क्योंकि प्रसाद तो ले सकते हो, पर जहां तुम्हारे मुख से निकल गया दान किया, मैंने एक पीपा घी दान करा, मैंने एक बोरी शक्कर दान करी, मैंने एक बोरी गेहूं का दान करा, दान कर दिया, तो उसको भाग नहीं ग्रहण करना। राजा अम्बरीश ने गाय का दान देकर उसी गाय का दूध पी लिया, तो नरक जैसा जीवन बीता, कबूतर की योनि में पड़ गया। बहुत सोच समझ के दान करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। मीटिंग में बैठते हैं तो लोग कह देते हैं हमारी तरफ से लिख लो एक पीपा घी का दान, एक पीपा तेल का दान। अरे भैया दान करा है तो भंडारे में खाने मत जाना, भूल से भी। दान की परिभाषा क्या है? दान कहते किसको? सबसे प्रबल दान कौन सा होता है? सबसे प्रबल दान कौन सा बोलो तो? अव्रत दान। कौन सा दान? अव्रत। अव्रत दान मालूम है कौन सा होता है? जब घर के
बहू के घर में डिलीवरी हो रही हो और बच्चा होने के बाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसका नाल कटे, उससे पहले जो दान दिया जाए भले एक मुट्ठी चावल दे दो चाहे एक मुट्ठी गेहूं दे दो नाल कटने से पहले, बस वो दान अमर दान कहलाता है, वो कभी छिन्न नहीं हो सकता, उसको कहते अवृत दान। उस दान की कोई परिभाषा ही नहीं है, वो दान प्रबल दान है, उस दान की प्रखरता, उस दान की श्रेष्ठता, अवृत दान। अब कहोगे महाराज जी सूतक लगे, सूतक कब लगता है, वो सुआ कब लगता है, जब नाल कट जाए तब, नाल कटने से पहले सुआ नहीं लगता इसलिए दान कर सकते हो। सुआ कब लगेगा, जब नाल कट जाएगी तब। पर आज के जमाने में वो दान नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। कितनी सुंदर बात की, पहले बच्चे दादी के घर में जन्म लेते थे तो दादी से प्रेम ज्यादा होता था तो दिन भर दादी के पास रहते थे, नानी के घर में बच्चे पैदा होते थे तो नानी के घर घर से प्रेम होता था मामा नाना मौसी से तो उनके घर ज्यादा जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इसलिए हर दो चार दिन में हॉस्पिटल चले जाते हैं, थोड़ी सी भी बीमारी पड़ी मौसी की याद आ गई हॉस्पिटल वाली सिस्टर की, जा बच्चों को थोड़ी सी खांसी चली डॉक्टर मौसा की याद आ गई जा तुरंत, क्यों हॉस्पिटल में पैदा हुए इसलिए हॉस्पिटल से प्रेम है, नानी के घर पैदा होते तो नानी से होता, दादी के घर पैदा होते तो